हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हां दोस्तों, यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉलेज प्रोफेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन से हैं वो टिप्स आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथ ही शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सर्विस कमीशन के द्वारा कॉलेज लेक्चर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी है वो निकाली हुई है। काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जी जान से लगे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन एक दिक्कत ये कि आखिर कैसे हम शुरुआत करें, क्या क्या पढ़ें और किस तरीके से कौन से टिप्स हैं उनको हम फॉलो करें ताकि हम अच्छी तैयारी कर सकें, सिलेबस को कवर कर सकें और एक अच्छा पेपर यानी कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे करके अपना सिलेक्शन डन कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल है। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इनके हिसाब से चलेंगे, तैयारी करेंगे तो पक्का आपको बहुत फायदा होगा और आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन से टिप्स वो बताने वाला हूँ मैं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा या फिर आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर के हाथ में बैठ सकते हैं, आप नोट भी उन्हें कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टिप्स है जो मेरी तरफ से एडवाइस है वो ये है कि अब आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये कि देखिए, वैकेंसी आ चुकी है और जल्द ही इसकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कॉलेज लेक्चर का जो एग्ज़ाम है तो वो एक अच्छे लेवल का होता है, एक अच्छी पोस्ट है, इसलिए आपको बहुत अच्छी अकॉर्डिंग टू सिलेबस अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप अब यानी कि वैकेंसी आ चुकी है तो अब आप बाहर घूमना फिरना या लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए। यदि बंद नहीं कर सकते तो भी आप बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि यदि आप बाहर घूमना फिरना जारी रखेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे तो पक्का आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, जिसका प्रभाव आपके परिणाम पर पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा, जो सबसे पहली वाली बात है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, क्योंकि भैया कुछ भी नहीं है, अगर आपका पेपर अच्छा जाएगा, तैयारी अच्छी होगी, सिलेक्शन होगा तो ही आपके लिए सारी चीजें आगे ठीक होगी, सही होगी। क्योंकि दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी शादियां वगैरह हैं जिसमें आप जा रहे हैं या और भी कोई प्रोग्राम्स हैं, तो देखिए प्रोग्राम्स वगैरह बाद में जिंदगी भर होते रहेंगे, उनमें आप शामिल होते रहें, लेकिन अभी वाला जो टाइम है, जो अभी वर्तमान का जो समय है, ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ज़ाया नहीं करें, बर्बाद नहीं करें, क्योंकि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो भैया कुछ नहीं है। आप तैयारी करें, अपना पूरा ध्यान अपनी तैयारी पे रखें, क्योंकि जो भी शादी ब्याह या अन्य जो भी प्रोग्राम्स है, अदर प्रोग्राम्स जिसमें आप जाना जरूरी समझते हैं, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप ऐसे कार्यक्रम को, प्रोग्राम्स को आप अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए 4 महीने हैं, ये 5 महीने हैं, ये आपके आने वाले भविष्य का जितना भी टाइम है, जितने भी साल हैं, 20, 30, 40 साल, उनको डिसाइड करेगा, यानी कि आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है, वो पूरा पूरा इन 4 या 5 महीनों से बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है, यही एडवाइज है कि आप अभी इधर उधर नहीं जाएं, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं करें, बल्कि अगर आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो ही आप बाहर निकलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, जो टिप्स है, वो ये है कि अब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज लेक्चर का जो सिलेबस है, जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं, जिनमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो एक बार उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और उनको समझना है। आप सिलेबस के अलावा जो और चीज़ें हैं उनको आप नहीं पढ़ें और अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। और यदि आप चाहें तो आपका जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप जहां पर स्टडी करते हैं वहां पर सामने आप सिलेबस को लगा सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक चैप्टर आपने पढ़ लिए और कौन कौन से चैप्टर अभी पढ़ने बाकी हैं। और अगला महत्वपूर्ण टिप्स यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और मेरी तरफ से जो एडवाइस है वो ये है, देखिए आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो पिछले वर्ष यानी कि पिछली बार 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर भी आप निकलवा लें, उसको एक बार अच्छे से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, आपके सब्जेक्ट का जो पेपर है, पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी 2014 में, तो वो पेपर आप आराम से RPSC की साइड से निकाल सकते हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ें, समझें और देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन
बन सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेट जेआरएफ है, जी हाँ दोस्तों, नेट जेआरएफ की जो पिछले साल के पेपर हैं उनको भी आप देखें, उनको भी आप हल करें, ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि आप अपने सब्जेक्ट का जो पिछली बार कॉलेज लेक्चर का जो पेपर हुआ था उसको आप देखें, साथ ही नेट जेआरएफ के जो पेपर हैं आपके विषय के उनको भी एक बार आप जरूर देखें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा कॉलेज लेक्चर की तैयारी में। और अगला महत्वपूर्ण टिप्स जो है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कि देखिए, तीन पेपर आपके इस एग्जाम में होने, दो पेपर आपके सब्जेक्ट के होते हैं और एक पेपर आपका राजस्थान की जीके का होता है जो कि थर्ड पेपर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स अपने सब्जेक्ट पर ही पूरा ध्यान देते हैं, जबकि थर्ड पेपर यानी कि जो राजस्थान का जीके वाला पेपर है उस पर कम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, यही सलाह सुझाव आपको देना चाहूँगा, तीनों ही पेपर की आप अच्छे से तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, दो पेपर आपके विषय के और जो थर्ड पेपर है राजस्थान की जीके वाला उसको भी आप बराबर अच्छे से कवर करते हुए चले, एक अच्छी तैयारी उसकी भी आप करें, क्योंकि दोस्तों जो तीसरा पेपर है राजस्थान जीके वाला वो आपके चयन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि सब्जेक्ट ज़्यादातर कैंडिडेट्स का लगभग 19-20 होता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स नेट और स्लेट पास किए हुए रहते हैं, तो डेफिनेटली उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहता है। तो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसके साथ में राजस्थान की जीके को भी आपको अच्छे से कवर करना है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार की वैकेंसी में देखने में आया था कि जिन लोगों का राजस्थान का जीके अच्छा था, जिनकी तैयारी अच्छी थी, उनको बहुत फ़ायदा इस बात का मिला है और आगे उनके चयन में बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा मेहनत उनको नहीं करनी पड़ी है। इसलिए मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के साथ साथ राजस्थान जीके वाला जो पेपर है उसकी भी आप तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स है वो ये है दोस्तों कि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कई टॉपिक, कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, जिन्हें आप छोड़ देते हैं, यानी कि थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उसके बाद आप छोड़ देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, एक भी चैप्टर को बिना पढ़े नहीं छोड़ना है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है, या फिर आप सिलेबस को सामने जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप चिपका भी सकते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीपली उसको पढ़ना है और उसको समझना है। देखिए तो प्रत्येक चैप्टर को आप समझने की कोशिश करें और ये सोचें कि इस चैप्टर को मैं किसी और को समझा सकूं या पढ़ा सकूं, तो इस तरीके से आप उसे रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा कि किसी भी चैप्टर को छोड़े नहीं, एक भी बिंदु, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। हो सकता है जिस चैप्टर, जिस टॉपिक को आपने छोड़ दिया, जिसको कम पढ़ा आपने, उसी में से क्वेश्चन बन जाए। इसलिए प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक जो बिंदु है, जो टॉपिक है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके चयन में। इसलिए आपको प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक चैप्टर या टॉपिक को बहुत अच्छे से, गहराई से समझते हुए पढ़ना है, उसे क्लियर करना है। और इसी के साथ दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक और बिंदु, एक और पहलू है, वो भी मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि कई बार जो सरल टॉपिक होते हैं, सरल चैप्टर होते हैं, उनको हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, यानी कि उन पर हम कम ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हमें सरल लगते हैं कि बहुत ईजी है, ये तो पढ़े हुए हैं, तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, उनको अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये गलती आप नहीं करें, क्योंकि जो टॉपिक, जो बिंदु हमें सरल लगते हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, उनको भी वैसे ही पढ़ना है जैसे आप कठिन टॉपिक पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों सरल चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं, दरअसल ज़्यादातर गलतियां उन्हीं में से हम करते हैं। तो दोस्तों जो टॉपिक अपने को सरल लगते हैं, अभी भी आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी बन सकता है। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को हल्का यानी कि बिल्कुल आसान नहीं समझें और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा कठिन समझें, बल्कि प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल समान समझते हुए, महत्वपूर्ण और उपयोगी समझते हुए अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास आप करते हुए आगे बढ़े। चलिए दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और अब जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो तीनों ही पेपर का जो मैटर है उसको आपको रोजाना पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कैंडिडेट्स ये गलती कर देते हैं कि एक ही पेपर के पीछे लगे रहते हैं और दिन भर एक ही पेपर को पढ़ते हैं। जैसे आज मैं फर्स्ट पेपर को ही ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद कल मैं सेकेंड पेपर को पढ़ूंगा, परसों थर्ड पेपर को पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं करें, बल्कि रोजाना आप तीनों ही पेपर यानी कि दोनों सब्जेक्ट और एक राजस्थान की जीके वाला जो पेपर है, तो तीनों ही पेपर का थोड़ा थोड़ा जो चैप्टर है, भाग है, उसको आप रोजाना
पढ़े। तो इस तरीके से आप अगर रोजाना पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे मेरा जो सिलेबस है वो मैं कवर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप तीनों पेपर जो है उनका जो मैटर है उनका जो टॉपिक चैप्टर जो भी है उनको आप साथ साथ पढ़ते हुए चले, रोजाना आप पढ़े। ये हो सकता है कि आप किसी पेपर को कम समय दे किसी को ज्यादा दे, लेकिन आपको रोजाना तीनों ही पेपर का जो मैटर है उसको आपको पढ़ना है और पढ़ते हुए आपको अपनी तैयारी रोजाना आगे बढ़ानी है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण बात है जो टिप्स है मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि रिटर्न में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, कई कैंडिडेट्स ये सोचते हैं बोले यार रिटर्न में एक बार पास हो जाऊँ उसके बाद इंटरव्यू में तो मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इस भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या सिचुएशन हो, क्या परिस्थितियां हो, क्या हो क्या नहीं हो। इसलिए मेरा आपको यही कहना है कि रिटर्न में आप अच्छी मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त करने की कोशिश करें रिटर्न एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों पिछले एग्जाम में यही देखने को मिला था कि जिन कैंडिडेट्स के रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई इंटरव्यू पास करने में। इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि रिटर्न की आप बहुत अच्छी तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, कोशिश ये रखें कि रिटर्न में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करें ताकि आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इसके साथ दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है कि आप अति आत्मविश्वास में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मेरी तो तैयारी है, सब्जेक्ट मेरा पढ़ा हुआ है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि राजस्थान का जीके मेरा बहुत अच्छा है, और कुछ लोग इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं कि मेरा तो भैया वहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं आने वाली है। तो दोस्तों देखिए, आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि अच्छा होना और अच्छा पेपर करके आना इसमें बहुत अंतर है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि कई लोगों की जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, मानना होता है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप अच्छे से मन लगा करके तैयारी करें। आप ये ना सोचे कि सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है तो मैं इसे कम पढ़ूँ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर राजस्थान का जीके मेरा बहुत अच्छा है तो इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूँ। कुल मिलाकर के बात यह है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें और पूरे आत्मविश्वास, संयम, शांति और धैर्य के साथ अपने विषय को, जो भी आपकी सिलेबस में जो चैप्टर हैं, चाहे राजस्थान का जीके हो या आपका सब्जेक्ट हो, उसको अच्छे से पढ़ते हुए, कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए चलें और अपनी एक अच्छी तैयारी, मजबूत तैयारी आप करें, ताकि पेपर देते समय आपको किसी प्रकार की दुविधा या कन्फ्यूजन की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े और आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। और इसी के साथ दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, कई स्टूडेंट्स, कई कैंडिडेट्स जिन्होंने मेरे से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर कौन कौन सी किताबें हम पढ़े, तो जब मैंने उनको बुक्स बताए तो उनका एक ही जवाब था कि सर इतनी सारी किताबें, कुछ कम किताबें बताइए, या फिर ऐसी किताबें बताइए कि 8-10 किताबों की बजाय एक ही किताब में सारा मैटर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप कॉलेज लेक्चर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, तो देखिए उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर मैं बता दूँ देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप किताबें आती हैं उनको कम से कम पढ़े, ज़्यादा उनके चक्कर में नहीं पढ़े। जी हाँ दोस्तों, कई कैंडिडेट्स मेरे संपर्क में ऐसे भी आए जिन्होंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप की किताबें हैं उनसे ही तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ऐसी किताबों को पढ़ने पर उनका ज़्यादा विश्वास होता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव के बजाय आप जो वर्णनात्मक किताबें हैं उनको आप ज़्यादा पढ़ें, ताकि क्वेश्चन कैसे भी बने, कहीं से बने और आप उसका जवाब दे सके। तो दोस्तों शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है, जितनी किताबें आपको पढ़ने की जरूरत है उतनी किताबें पढ़नी ही चाहिए आपको, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ज़्यादा किताबें भी नहीं पढ़े। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ना तो आप शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेगी, बहुत ही कम एक या दो किताबों से मैं कॉलेज लेक्चर बन जाऊँगा, तो ऐसा भी नहीं सोचे। और यदि आप सोचे कि बहुत सी किताबें आप इकट्ठी कर ली, जैसे 40-50 किताबें आपने इकट्ठी कर ली, तो दोस्तों वो भी मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे एक दो व्यूवर से बात हुई, उन्होंने कहा बोले सर किसी से हमने बात की तो 40 किताबें उन्होंने बता दी, एक से बात की तो 50 किताबें बता दी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए 40-50 किताब पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है कि ना तो आपको शॉर्टकट अपनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ना है। दरअसल होता है कि कैंडिडेट्स बहुत सारी किताबें खरीद लाते हैं, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो ऐसा आप नहीं करें, बल्कि आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ करके, आपके सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है उससे बात कर सकते हैं और सेलेक्टेड किताबें ही पढ़े और प्रामाणिक किताबें पढ़ने की आप कोशिश करें, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि
तीन पेपर के लिए जो भी किताबें, जितनी भी किताबें आप पढ़ रहे हैं, उनको आप अलग अलग सेट बना करके आप कहीं पर भी जमा सकते हैं जहां पर आप पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब यही कि जैसे पेपर फर्स्ट के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है तो उनको आप एक जगह इकट्ठा रख सकते हैं। पेपर सेकंड के लिए कौन कौन सी किताबें आपने चयन किया है या फिर कौन सी किताबें आप पढ़ना चाहते हैं तो उन किताबों को आप अलग से रख सकते हैं। साथ ही पेपर थर्ड के लिए भी आप जिन किताबों को पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप अलग से एक जगह रख सकते हैं, ताकि आप किताबों को लेकर के ज़्यादा डिस्टर्ब ना रहें और ना ही आपको कोई दिक्कत हो। इसलिए आप अपनी किताबों को अच्छी तरीके से जमा करके बिल्कुल सामने रखें और आपको पता हो कि ये किताबें मुझे पढ़नी है और कौन सी किताब मैंने पढ़ ली और कौन सी किताब मैंने अब तक नहीं पढ़ी है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल संयमित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से अपनी किताबों को रखें और उनको पढ़ते हुए आगे चलें, यानी कि अपने सिलेबस को कवर करें। जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी व्यवधान नहीं उसमें आना चाहिए, यानी कि उसमें डिस्टरबेंस किसी तरह का नहीं होना चाहिए, रुकावट या बाधा उसमें नहीं होनी चाहिए। कोशिश आप यही करें, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू आपकी पढ़ाई होती रहनी चाहिए। यदि आप बीच में गैप दे देंगे, एक दो दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे या फिर दो चार घंटे के लिए कहीं किसी प्रोग्राम में चले गए, तो दोस्तों इसका असर आपकी कंटिन्यूटी पर, आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही करें कि आपकी पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी है, जो नियमितता आपने बना रखी है, वो बिल्कुल भी टूटे नहीं और आप एक अच्छे तरीके से बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दिनों की बात नहीं, केवल 4-5 महीना आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, उसके बाद फिर जो चाहे आप कर सकते हैं। बाकी 4-5 महीनों में थोड़ा सा आप कंट्रोल करें और अपने आप को तैयारी और पढ़ाई के प्रति डेडिकेट रखते हुए आप अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। अगला जो टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन जरूर करना है। जी हाँ माय फ्रेंड्स, रिवीजन का विशेष रूप से ध्यान रखें। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो एक बार ही पढ़ पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं और इसके पहले वाले वीडियो भी आपने देखे हैं, तो मैंने हर वीडियो में यही बात कही कि आपको रिवीजन जरूर करना है। कॉलेज लेक्चर के लिए स्पेशली आज से 6 महीने पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने यही कहा कि आप वैकेंसी का इंतजार नहीं करें और अपनी तैयारी को आप अभी से शुरुआत कर दें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करना है आपको। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, सब्जेक्ट का जो पेपर है उसका भले ही आप एक ही बार या दो बार रिवीजन करें, लेकिन राजस्थान का जो जीके है उसका कम से कम आप 2 या 3 बार रिवीजन जरूर करें। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे तो पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा, वो स्थायी रहेगा। तो दोस्तों रिवीजन आपको जरूर करना है, मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेगा, रिवीजन आप 2 से 3 बार जरूर करें, ताकि आप अच्छे तरीके से परीक्षा दे सके और आपको परीक्षा में किसी तरह का जो कन्फ्यूजन है, जो दुविधा है, वो नहीं झेलना पड़े और अच्छे से आप पेपर करके आए और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि बोले यार कैसे पढ़े, क्या पढ़े, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत सारी बातों को लेकर के तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, देखिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहकर ही तैयारी करें। यदि आप टेंशन में रह के दबाव या तनाव में रहते हुए पढ़ाई करेंगे तो पक्का इसका असर आपके एग्जाम पर पढ़ने वाला है, यानी कि जो आप पढ़ेंगे वो आपको कहीं ना कहीं याद अच्छे से नहीं होगा यदि आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, यही टिप्स आपको देना चाहूँगा कि आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको आप टेंशन फ्री यानी कि तनाव मुक्त रह करके तैयारी करें, टेंशन फ्री होकर के आप अपनी पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, और ना ही आप ये सोचें कि आपके सब्जेक्ट में बहुत कम सीटें हैं और फॉर्म भरने वाले बहुत सारे हैं, तो ऐसा भी आप बिल्कुल नहीं सोचें। बिल्कुल दिमाग से इस बात को निकाल दिए, डिलीट मार दीजिए कि पोस्ट कितने हैं और भरने वाले यानी कि बैठने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल एक सीट आपको चाहिए और वो आप पक्की करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बस यही आपको सोचना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा यही सुझाव है कि आप टेंशन नहीं करें और बिल्कुल खुश रहते हुए, टेंशन फ्री रहते हुए, तनाव मुक्त रहते हुए एक अच्छी तैयारी आप करें और ये सोचें कि हाँ यार जो भी होगा वो अच्छा होगा। हम केवल मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से 100% आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वो आपको करनी चाहिए। रिजल्ट या परिणाम क्या रहता है उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। केवल आपको पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई पर आपको करना चाहिए और वो भी तनाव मुक्त होकर के, टेंशन फ्री होकर के।
और दोस्तों अंतिम जो टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखिए पढ़ाई करते समय बीच बीच में आपको 5 से 10 या 15 मिनट के ब्रेक जरूर लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यू नहीं पढ़े, लगातार पढ़ेंगे तो जो पढ़ा आपने वो आपको अच्छे से याद नहीं होगा, दिमाग में नहीं बैठेगा। इसलिए आपको चाहिए कि बीच में यानी कि 2-3 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको 5 से 10 या 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक भी आपको लेना चाहिए और उस ब्रेक के दौरान आप अपनी पसंद का कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो ये जो टिप्स मैंने बताए इनको आप यदि फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन जाएगी यदि आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बता दो कि कॉलेज लेक्चरर की तैयारी के लिए स्पेशली और भी कई सारी वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। कुछ एक वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, साथ ही चैनल पर आप सर्च करके और वीडियोज भी देख सकते हैं, उनका लाभ आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।